और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, सपा विधायक दारा सिंह चौहान का इस्तीफा। दारा सिंह चौहान ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। एसपी के टिकट पर कोसी से बने थे विधायक, जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं दारा सिंह चौहान। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं दारा सिंह चौहान का विधायक पद से इस्तीफा। ये लेटर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, दारा सिंह को लेकर खबर मिल रही है इस्तीफा दे दिया उन्होंने। बता दूं कि दारा सिंह के इस्तीफे के साथ अब समाजवादी पार्टी की जो मुश्किलें हैं उसको बढ़ते हुए देखा जा रहा है। एक और अगर बात करें तो आजम खान को सजा सुनाई जाती है, दूसरी ओर दारा सिंह सपा छोड़ देते हैं, विधानसभा से पद से भी इस्तीफा देते हैं अपने विधायक, और इसके साथ ही अब ऐसी खबर है कि दारा सिंह फिर एक बार बीजेपी से जुड़ सकते हैं। तो ऐसी खबर के साथ अब समाजवादी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि दारा सिंह का अगला फैसला क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं तो किस रूप में जुड़ते हैं और आगे की खबर क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की जो खबर है, दारा सिंह ने इस्तीफा दिया है, अपनी सदस्यता छोड़ी है और समाजवादी पार्टी से भी उन्होंने किनारा ले लिया है। जी ठीक है, खबरें इस तरह की भी है नीतीश की, वो अब आगे बीजेपी के टिकट पर मऊ से लोकसभा का चुनाव भी हो सकता है लड़े, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि जल्दी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। अभी के लिए नीतीश आपका शुक्रिया, आगे जो भी अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे।